उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कांधला नगर के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव बिराल निवासी सुबोध पत्नी सुनीता की डिलीवरी के दौरान नगर के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग FDM शामली से पत्र भेजकर महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने डिलीवरी के दौरान पीड़ित महिला के साथ मारपीट व जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और पीड़ित से अस्पताल के बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाई के नाम पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। सरकारी अस्पताल में मुख्य चिकित्सक रमेश चंद ने पीड़ितों को महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। गड़बड़ी आई थी जी, उसके यहाँ डिलीवरी होने बच्चा होना था जी। ये है जी 4 तारीख में रात में 1 बजे जी, फूल वाल चुके गए जी, इसमें रह गए जी। नहीं जी, शिकायत तो आज ही दी जी यहाँ अधीक्षक से जी, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं कहा जी, आ नहीं रहे यहाँ भाजी भी। आप सामने ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं पूरी, क्या कारण रहा उसका, यहाँ से क्यों रेफर किया गया और क्या मृत्यु का कारण रहा, तो जिसका भी जो भी उसमें दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये भी हम बिल्कुल देख रहे हैं। यदि ये इस तरह की हमें बात मिलती है कि उसने पैसे की डिमांड की है, तो ये निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।